नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। पीएम मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए एक बयान दिया था। उस बयान में पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधे थे। उन्होंने कहा था कि क्या नीतीश कुमार के चाचा मामा या कोई भी सगे संबंधी या उनके बेटे राज्यसभा पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में केवल परिवारवाद ही नजर आता है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, ये तमाम मुद्दे हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बिहार में सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो बिहार में कुछ ऐसी ही सरकार बनने वाली है। तो विशेष क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए। टिप्पणी नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों पे। मुद्दे हैं दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और महंगाई। सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। नीतीश कुमार जी को ये याद नहीं आया जब हम डिप्टी सीएम बने थे, तब ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम उनसे केवल ये जानना चाहते हैं बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगे, बिहार में निवेश क्यों नहीं आया, बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार में बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है, बिहार सबसे गरीब क्यों है, बाढ़ के लिए आपने क्या किया। तो इन सारे विषयों पर अगर नीतीश कुमार जी केंद्रित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये तो बीजेपी की बातों का ही खंडन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बीजेपी ने जो कहा है 4 लाख नौकरियां देंगे, ये तो उन्हीं की बातों का खंडन कर रहे हैं। और हम कितनी बार बता रहे हैं, नीतीश जी से ज़रा पूछिए कि कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं, खाली पड़े हुए हैं। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। राष्ट्र औसत के मुकाबले 5.5 लाख बनता है। देखिए, नीतीश कुमार जी हम बार बार कह रहे हैं थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है, नर्सेज नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। एजुकेशन पूरा चौपट क्यों हो गया है? क्योंकि टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं है। अब जब तक पद को नहीं बना, नौकरी देने का केवल सवाल नहीं है, नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शिक्षा विभाग भी सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग भी सुधरेगा एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट भी सुधरेगा। नीतीश जी बताएं, 1 लाख आबादी पर बिहार में कितने पुलिसकर्मी हैं? 77 है केवल। वो उनको बताना चाहिए कि 1 लाख आबादी पर मणिपुर में 1000 से ज़्यादा क्यों है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग जो हैं, जो हमने विजन रखा है, इसीलिए तो हम मांग रहे मौका, जो नीतीश जी ने नहीं किया, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, इसलिए तो हम बिहार की जनता से मौका मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे।